हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ चैप्टर बॉक्सेस एंड स्केचेस। ठीक है, चैप्टर 9 है ये। तो जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में क्या पढ़े, मैपिंग योर वे, उसमें सारे चीज को हम लोग मैपिंग योर वे में एकदम अच्छे से पढ़े कि कैसे रास्ते को बनाया जाता है, एक छोटे से कागज में कैसे पूरा इंडिया आ गया था, देखे थे ना आप लोग। ठीक है, तो इसमें बॉक्सेस एंड स्केचेस, डिब्बे और स्केच। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं, बॉक्सेस मतलब कोई भी बॉक्स, बॉक्सेस मतलब बॉक्स, कोई भी बॉक्स हो, नॉर्मल बॉक्स जिसमें सामान रखते हैं या कुछ भी रखा जाता है। ठीक है, स्केचेस, स्केचेस मतलब ड्राइंग। ठीक है, लाइन खींच के जो स्केच बनाते हैं, ड्राइंग, ठीक है, उसको स्केच बोलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस बॉक्सेस एंड स्केचेस से आप क्या, इससे जानेंगे क्या, हम लोग क्या जानना क्या है इस चैप्टर में, वो कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जैसे कोई भी एक नॉर्मल बॉक्स हो उसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, उसके बाद उसका टॉप व्यू जानेंगे, फिर फ्रंट व्यू जानेंगे, साइड व्यू जानेंगे। और जैसे 3D इमेज आप लोगों ने कहीं देखा है, कुछ कुछ रहते हैं जो 3D, ऐसे पेपर भी बने रहेगा लेकिन 3D रहेगा। 3D मतलब साइड व्यू उसका दिखता रहेगा, अपर भी दिखता रहेगा और फ्रंट भी दिखता रहेगा, तीनों चीज दिखते रहेंगे, तीनों साइड दिखते रहेगा, तब उसको हम लोग 3D बोलते हैं। ठीक है, और 2D में नॉर्मल एक साइड का सामने का बस फ्रंट या साइड या अपर भी दिखता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें इस चैप्टर में यही पढ़ाएंगे पूरा। ठीक है, तो स्वीट बॉक्स है, स्वीट बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, स्वीट बॉक्स कैसे रहता है, दुकान पर जाओ तो ऐसे जल्दी से मोड़ के बना के बॉक्स बना के जल्दी से दे देते हैं। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया उसको इतने जल्दी कैसे बना लेते हैं, वो लोग पहले से ही काट के और फोल्ड करके रखे रहते हैं, फोल्ड नहीं किए रहते, बस ऐसे काट के और जहां से फोल्ड करना है वहां पे निशान लगा के रखे रहते हैं। फिर जैसे ही आते हैं उसमें मिठाई रखने के लिए, स्वीट रखने के लिए, स्वीट मतलब मिठाई, ठीक है, तो रखने के लिए आते हैं तो जल्दी से फोल्ड करके बना के दे देते हैं। आप लोग शादी वगैरह में गए होंगे तो वहां पे भी मिठाई का डब्बा मिलता है जो वो ऐसे ही फोल्ड करके बनाते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया इसमें बनाते कैसे हैं। ठीक है, आफ्टर, ठीक है, राम्या वेंट टू बाय स्वीट। ठीक है, इसमें राम्या कौन है, वो स्वीट खरीदने जाती है, एक लड़की है जो स्वीट खरीदने जाती है। द शॉप कीपर टू के पेपर कट आउट एंड क्विकली मेड ए लवली पिंक बॉक्स फॉर द स्वीट। ठीक है, अब क्या जैसे होता है शॉपकीपर क्या करता है, जल्दी से कट करके और क्विकली जल्दी से स्वीट बॉक्स बना देता है, पिंक कलर का स्वीट बॉक्स बना देता है। Look at the photo and make your own box. Use the cutout on page 201. ठीक है, अब 201 पेज आगे मिलेगा अपने को। ठीक है, उसमें देख के कटआउट करके उसके बाद फास्ट कैन यू फोल्ड इट। ठीक है, मतलब उसको जल्दी से कटआउट करके जल्दी से फोल्ड करके बना पाओगे आप लोग। After coming home, Ramya unfolded the box. She removed the extra flap so the cutout looked like this. ठीक है, अब देखिए Ramya जब घर आई तो मिठाई निकाल के उसके बाद जितने भी अलग से चीजें लगाए थे उसको निकाल दी, उसके बाद बॉक्स को ऐसे फोल्ड जो हुआ था फ्लैप कर दी, फ्लैप मतलब खोल दी। तो कैसे दिख रहा है आप लोग देखेंगे, ये ऐसे टाइप का कुछ दिख रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए बुक में अच्छे से दिख रहा होगा, बुक आप लोग पेज नंबर 126 निकालेंगे तो देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे, फिर ये जो इतना पार्ट है ये वाला पार्ट इसको ऐसे करेंगे, उसके बाद ये जो ऐसे खड़ा जाएगा, उसके बाद जो ये बड़ा वाला पार्ट है ये ऐसे खड़ा जाएगा, फिर ये ऐसे इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो पूरा एक बॉक्स बन जाता है। She made four more shape. Each is to be folded along the dotted line. You have to find out which of these can be made into a box. ठीक है, अब क्या है, उसने चार और बनाए, चार कटिंग और किए, उसके बाद आपको इसमें से बताना है कौन सा फोल्ड करने पे बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला कैसे बनाया आप लोग देखेंगे, पहला वाला कैसे है,
पहला वाला आप लोग देख रहे होंगे ऐसे है, फिर उसके बाद क्या किए हैं, ये ऐसे यहां से ये कर दिए है और इधर पे ऐसे ये, और फिर कहां कहां से डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, और कौन सा है, यहां से डॉटेड लाइन बना दी, और कहां से बनाई है, फिर यहां से बना दी, अरे यहां से बना दी, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ये छोटा रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे सामने तरफ ऐसे, और ये नीचे रहेगा, और इसको इधर कर देंगे, उसके बाद इसको ऐसे खड़ा करेंगे, और ये वाला भाग ऊपर आ जाएगा, और ये वाला भाग साइड में, ये दोनों साइड में लग जाएंगे, और ये दोनों जो है ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये बॉक्स बन जाएगा ना, हाँ बन जाएगा, इससे मतलब इससे बन जाएगा। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला से नहीं बनेगा, क्योंकि उसको अलग अलग फोल्ड कर रहे हैं, कहीं से भी फोल्ड कर रहे हैं तो नहीं बनेगा। अब देखिए थर्ड वाला, थर्ड वाले से भी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह फोर वाले से, फोर से नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको आप लोग ट्राई करना, कागज को काट के उसके बाद फोल्ड करके देखना किस कौन सा बन पाएगा कौन सा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, शेप दैट फोल्ड इनटू ए क्यूब, ठीक है। अब शेप बनाना है जिससे उसको फोल्ड करे तो एक क्यूब बन जाए। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब क्यूब किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, समझे, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अब ऊंचाई भी इसमें आ गया है, वैसे क्या है, ये क्या है सर, ओ सॉरी स्क्वायर, ठीक है। इसके ये स्केल से नापेंगे तो सब बराबर आएंगे सारी लाइन। अब इसमें ऊंचाई भी आ जाता है तब वो क्या होता है, वो क्यूब बन जाता है, ठीक है। मैं क्यूब बना के आपको दिखाता हूं, अब देखिए इसमें जैसे बुद्धा वांट टू मेक ए पेपर क्यूब यूजिंग ए स्क्वायर शीट, ही नो दैट ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बुद्धा एक लड़का है जो वो फेस क्यूब बनाना चाहता है, और वो जानता है कि क्यूब के सारे फेस, जितने भी फेस होते हैं क्यूब में, सारे स्क्वायर होते हैं, जैसे मैं बताया। तो हाउ मेनी फेसेस डज द क्यूब है, तो बुद्धा जैसे इसमें एक लड़का पूछ रहा है कि कितने फेस होते हैं क्यूब में, अब क्यूब में मुझे बताइए कितने फेस होते हैं। आप लोगों ने क्यूब देखा है, क्यूब कैसे दिखता है, क्यूब आप लोगों ने वो खेला है लूडो, उसमें जो डाइस रहता है वो क्यूब रहता है, ठीक है। आप लोगों ने शक्कर देखा होगा, शक्कर को अगर छोटा सा ध्यान से देखेंगे तो एकदम क्यूब के जैसे दिखेगा, ठीक है। लंच बॉक्स देखेंगे तो लंच बॉक्स भी एकदम क्यूब के जैसे ही रहता है, किसी का क्यूब रहता है किसी का क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, कुछ साइड रेक्टेंगुलर रहते हैं कुछ स्क्वायर है, ठीक है। ब्रिक्स देखेंगे वो भी क्यूबॉइड, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या है, ही ड्रॉ टू डिफरेंट शेप, अब उसने क्या किया, दो डिफरेंट शेप बनाए, कैसे बनाया है, इस तरह से मान लो बनाया है, ठीक है। आप लोग कॉपियां बनाएंगे तो और अच्छे से बनेगा। तब इसमें क्या किया है, कहां कहां से फोल्ड करना है, यहां से करना है, फिर यहां से करना है, फिर यहां से करना है, फिर यहां से करना है, ठीक है, और यहां से करना है, दिख रहा है आपको कहां कहां से, ये 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 ये, अरे ये, ठीक है, अब दिख रहा होगा अच्छे से। तो आप कैसे करेंगे इसको, ये वाला भाग आप लोग नीचे रखिए, ठीक, उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक, दिख रहा है आपको, इसको ऐसे फोल्ड किए तो क्या हुआ, और इसके बाद ये वाला भाग बचा है तो इसको इधर से फोल्ड करेंगे, और उसके बाद इसको भी ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला फोल्ड, ये वाला जो भाग है ये इधर आ जाएगा, इधर वाले भाग में ये ऐसे इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला भाग जो है ऊपर आएगा तो ऐसे ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो इससे वो क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और एक से बताया है इसमें, ठीक है, उसको आप लोग देखेंगे फोल्ड करके, और एक से अपने से बताना है, अपने से कैसे करना है,
अपने से एक टॉपिक से बताइए, जैसे मैं बना रहा हूँ एक टॉपिक, ध्यान से देखना। अब मैं इसे फोल्ड कहां कहां से करना है वो देख लें। ये यहां से यहां से यहां से यहां से फिर यहां से यहां से यहां से यहां से। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये भाग जो है ऐसे खड़ा कर दीजिए, ये भाग ऐसे खड़ा कर दीजिए, ये भाग ऐसे। अब ये वाला भाग है जो पूरा ऐसे खड़ा करेंगे तो ऐसे सीधा सीधा रहेगा, ऊपर वाला जो भाग ये वाला भाग है उसको ऐसे टॉप पे लगा देंगे तो ये भी एक क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही आप लोग भी एक दो टॉप ट्राई करिए, ठीक है। तो अब इसमें जैसे पूछा है विल बोथ दिस शेप फोल्ड इनटू ए क्यूब, क्या ये दोनों शेप क्यूब शेप में फोल्ड हो जा रहे हैं, तो यस दोनों हो जा रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ एटलीस्ट वन मोर शेप विच कैन फोल्ड इनटू ए क्यूब, तो इसने क्या बोला, एक शेप और बनाइए जो फोल्ड हो क्यूब में, तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें एक बॉक्स एक सेंटीमीटर का है तो टोटल कितने बॉक्स है गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एरिया क्या हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू ए क्यूब, ठीक है। वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू ए क्यूब, मैं ऐसे ही बना देता हूं एकदम सिंपल सा, 1, 2, 3, 4 और बड़ा कर देंगे 5, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है 6 है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे फिर ऐसे इधर कर देंगे तो ये क्यूब नहीं बनेगा क्योंकि दोनों साइड खुला रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसे बना सकते हैं। लुक अराउंड एंड डिस्कस व्हिच थिंग अराउंड यू लुक लाइक ए क्यूब, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, आपके आस पास कोई भी ऐसा चीज देखो जो क्यूब जैसे दिखता हो। तो जैसे मैं अभी कुछ बताया क्यूब कैसे दिखते हैं, सबसे पहले आप लोग क्यूब कैसे दिखते, कैसे क्यूब कैसा होता है, उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, जैसे आपका लंच बॉक्स होगा, लंच बॉक्स अगर छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, तो उसके क्यूब के जैसे पूरा रहता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर रहता है, ठीक है। और क्या, शुगर, शुगर मतलब चीनी, चीनी को देखेंगे छोटा सा एक टुकड़ा, एक छोटा सा लेना है एक टुकड़ा, तो देखेंगे तो वो एकदम क्यूब के जैसे रहेगा, उसके ये लंबाई चौड़ाई चाहिए, उसको आप लोग ध्यान से देखना कभी, चीनी आप लोग के घर पे होगा शक्कर, तो देखेंगे तो एकदम क्यूब रहता है। और क्या हो गया, दिखता कैसे आप लोग देखेंगे, ऐसे रहता है ना ब्रिक्स, थोड़ा ऐसे टाइप का रहता है, तो इसकी ये और ये तो बराबर रहता है लेकिन ये बड़ा हो जाता है, आपको बड़ा दिख रहा है ना, तो इस तरह से क्यूबॉइड होता है जिसका ये लंबाई जो है वो बड़ी रहते हैं, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसका क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। शेप्स फॉर एन ओपन बॉक्स, ठीक है। अब ऐसे जैसे इसमें मैं दो चीज बताया ना, शुगर और लंच बॉक्स, तो आप लोग एक आपको अपने सोच के लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, शेप फॉर एन ओपन बॉक्स, रिमेंबर द पजल्स विद 5 स्क्वायर इन चैप्टर 3, यू सॉ 12 डिफरेंट शेप मेड विद 5 स्क्वायर, ठीक है। अब चैप्टर 3 में आप लोग देखे होंगे, मैं पढ़ाया था, देखेंगे फिर से, अगर जो नहीं देखा जाके देखेंगे, ठीक है। रिमेंबर द पजल्स विद 5 स्क्वायर, जिसमें 5 स्क्वायर है, यू सॉ 12 डिफरेंट शेप मेड विद 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर से उसमें क्या बनाए थे हम लोग, 12 टॉप डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाए थे, ठीक है। इफ यू कट दोज शेप एंड फोल्ड देम, सम ऑफ दोज विल फोल्ड इनटू एन ओपन बॉक्स, ठीक है। उसमें से अगर उसको कट करके उसको फोल्ड करेंगे तो वो कैसे फोल्ड होंगे, ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स मतलब सारे तरफ से कवर रहेंगे लेकिन एक साइड ऊपर साइड खुला रहेगा, मतलब उधर कवर नहीं रहेगा, खुला रहेगा, ओपन रहेगा, तो उसको ओपन बॉक्स बोलते हैं, समझे, ठीक है। तो ओपन बॉक्स का मैं जैसे एक शेप बनाता हूं वो उससे ओपन बॉक्स बनेगा, ध्यान से देखना,
ये है, दिख रहा है आपको। इसको क्या करिए, यहां से फोल्ड करिए, यहां से फोल्ड करिए, यहां से करिए और यहां से करिए ऐसे, ठीक। तो क्या होगा, चारों तरफ फोल्ड हो जाएगा, ऊपर साइड खुला रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ओपन बॉक्स बन जाएगा अपना, ठीक है। आई कैन मेक ओपन बॉक्स विथ बोथ दिस, मतलब एक लड़की है वो क्या बोल रही है, इस दो साइड है, आप अपने बुक में देखेंगे 128 में, तो दो है जिससे ओपन बॉक्स बन सकता है, लेकिन दो और है आपके लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट राइट साइड में, तो जिससे नहीं बन सकते, ठीक है, उससे ओपन बॉक्स नहीं बन सकते। तो नेक्स्ट क्या है, बॉक्सेस एंड बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर नॉट क्यूब्स। अब देखिए, सभी बॉक्सेस क्यूब नहीं होते हैं, आप लोगों ने वो देखा है, बर्थडे पे टोपी पहनते हैं ना, बर्थडे वाली टोपी कौन टाइप की रहती, कौन, वो भी तो एक बॉक्स है, वो भी तो वो अंदर खाली रहता है, ऊपर से ऐसे रहता है, तो लेकिन वो क्या क्यूब है, नहीं है, वो तो कौन जैसे रहता है, ठीक है। और क्या ट्राइंगुलर बॉक्स होते हैं, और बहुत सारे बॉक्स होते हैं, जैसे आप लोग के कुछ घर में कुछ भी आया होगा, देखेंगे उसका बॉक्स किसी किसी का अलग अलग, एकदम इंटरेस्टिंग रहता है बॉक्स उसका, ठीक है। तो जैसे इसमें कुछ दिया है उसको मैच करना है, आप लोग इसको मैच करेंगे तो देखेंगे नीचे वाले को फोल्ड करके, आप इमेजिन करके फोल्ड करिए तो दिखेगा आपको कि कौन किस में मैच होगा, ठीक है। तो मैं इसको आपको करना है, जो नहीं आएगा मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है, कमेंट करना मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्लोर मैथ। अब फ्लोर मैथ इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोर मैथ होता क्या है, मैं पिछले चैप्टर में क्या बताया था, मैपिंग योर वे, ठीक है। अब इस चैप्टर में फ्लोर मैप, फ्लोर मैप भी पिछले चैप्टर में थोड़ा सा था, स्कूल वाला था ना, स्कूल में उसके डेस्क बेंच बने थे और उस पूरा स्कूल का वो दिया था, नक्शा दिया था, ऑफिस था, असेंबली गार्डन था, ठीक है, गार्डन थे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फ्लोर मैप, फ्लोर मैप क्या होते हैं, देखिए फ्लोर मैप से क्या होता है कि आप ऊपर से देखिए, ऊपर से अगर देख रहे हैं जो चीज दिख रहा है उसी को बनाना है सेम वैसे, तो फ्लोर मैप्स हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर से देखिए आपको दिख रही है कि इस साइड एक खिड़की है, एक साइड एक खिड़की, इधर दरवाजा है, इधर ऐसे डिजाइन बना है, ऐसे ऐसा है, तो उसको अगर आप लोग पेपर में बना लेंगे तो वो क्या होगा, फ्लोर मैप्स। जैसे इसमें एक मैप बना बना के दिखाया है, कैसे है, ऐसा है। उसके बाद अब दरवाजा कैसे बनाया है, इसमें देखिए ध्यान से देखना, इसको बहुत अच्छा है, इसको बनाना सीखिए आप लोग भी। ये क्या है, डोर, एक डोर हो गया इधर, और खिड़कियां कहाँ है, खिड़कियां कैसे बनाए हैं, ऐसे किया ऐसे ऐसे फिर ऐसा, ठीक है। क्या है, विंडो, और कहां कहां विंडो है, अब देखिए ऐसे ही साइन रहता है विंडो का, अब यहां पे क्या किया है, ऐसा 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 फिर ऐसा ऐसा, अब ये भी विंडो है, ठीक है। और कहां विंडो है, यहां भी एक विंडो है, और इधर भी है, हाँ है, इधर भी एक विंडो है, कितने विंडो है, एक दो तीन चार, चार विंडो है ना टोटल, एक दूर है। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ये अपना रूफ है, रूफ मतलब छत, छत है, और इधर इधर अपने को दिख रहा है कि इधर इधर विंडो है, ठीक है। अब इससे क्या पहचान सकते हैं, अपने को पता चलेगा इधर डोर है, इधर विंडो है, इधर विंडो है, इधर विंडो है, सिर्फ इधर दरवाजा है, इधर डोर है। चलिए अब देखते फ्रंट साइड ऑफ अ हाउस, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन देयर ऑन द फ्रंट साइड। अब क्या फ्रंट साइड किधर रहता है, जिधर दरवाजा रहता है,
आप लोग भी देखेंगे सामने तक, जिधर दरवाजा है तो उधर फट, तो डोर किधर है, डोर इधर है। इधर साइड कितने विंडो है, 1 2, ठीक है, तो दो विंडो है और एक डोर, तो ये फ्रंट वो साइड किधर है, इधर साइड। लेकिन इसमें क्या ध्यान रहना है, एक चीज की क्या रहती है कि इससे हम लोग हाइट नहीं बना सकते कितनी ऊंची दीवार बनानी, इसमें बस दिख रहा है कि इधर विंडो बनाना है, इधर विंडो, इधर डोर, बस ये समझ में आ, लेकिन कितनी ऊंची है वो नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, डीप ड्रॉइंग। डीप ड्रॉइंग क्या होता है, 3D इमेज जिसको हम लोग बोलते हैं वही। अब देखिए डीप ड्रॉइंग कैसे बनाएंगे इसका, ऐसे है इधर से ये बना दिए दीवार, और इधर पे ऐसे बना दिए, और इधर से ऐसे बना दिए, ठीक है। अब यहां पे एक दरवाजा लगा देंगे, इधर डोर है ना, ये डोर इधर है तो डोर इधर लगा दिए, अब विंडो इधर है तो एक विंडो यहां बना देंगे, ठीक है, और एक इधर भी बनाना, ठीक है। इधर कैसे बनाना है, ऐसे ऐसे कर दीजिए, सॉरी गलत हो जा रहा है, ड्राइंग अच्छे से बनता नहीं है तो देख लेना, ऐसे मान लो ये, ठीक है हमने बन रहा है, तो एक विंडो यहां पास इसमें था ना ये विंडो, तो इधर विंडो बना देंगे, और कहां है इधर भी विंडो है। अब यहां पे विंडो तो दिखेगा नहीं, ये पीछे साइड है, फ्रंट साइड है, इसलिए इधर दिख रहा था, ठीक है। तो इस तरह से डीप ड्राइंग बनते हैं, इसको डीप ड्राइंग बना है, ठीक है। अब देखिए ये फ्रंट, ये क्या है, फ्लोर मैप है, और ये डीप ड्राइंग है, ठीक है। इससे अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे खिड़की दरवाजा है, और ये फ्रंट व्यू है, और इसका हाइट भी पता चल रहा है, ये हाइट है, साइड वाली दीवार ये है, ठीक है। चलिए विच वन इज विवाह हाउस, ठीक है, तो इसमें विवाह की कौन सा घर है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैच करिए, डोर जहां पे रहेगा डोर सबका सेम ही है, तो मतलब अब खिड़की मैच करना है, खिड़की सबका सेम रहना चाहिए, जहां जहां है खिड़की, पीछे का तो दिखेगा नहीं, साइड का दिखेगा और सामने का दिखेगा, सामने तो सबका सेम है लेकिन साइड में एकदम किनारे में है, ये एकदम किनारे मतलब एकदम इस साइड, इस साइड किसका है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी में टिक करेंगे। Why do the other three deep drawing not match the floor map? अब देखिए other three deep drawing क्यों नहीं match कर रहे हैं इसमें जैसे दिया हुआ है, क्योंकि खिड़कियां किसी के यहां है, ठीक है, किसी की खिड़की दिख नहीं रही है साइड से, और क्या है किसी की और कहीं है, अलग अलग है, इसलिए नहीं पता चल रहा है, वो उसका पता चल रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस टाइम में क्या बोला है, आपको फ्लोर मैप दिया हुआ है और उससे डीप ड्राइंग बनाना है, मतलब ऐसे टाइप का बनाना है, तो कैसे बनेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, जहां जहां विंडो है वहां वहां विंडो लगा दीजिए, विंडो तो आपको पता चल गया कैसे विंडो कहां कहां है, एकदम किनारे में है, जैसे मैं ड्राइंग कैसे बना है, फ्लोर मैप कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब विंडो एक यहां पे है, एक यहां पे है, अरे एक यहां पे है ना जी, तो इतने सारे विंडो हैं, विंडो बना दीजिए, और डोर यहां पे है, तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा। आर देयर एनी विंडो यू कुड नॉट शो ऑन द डीप ड्राइंग, सर्कल देम ऑन द फ्लोर मैप। तो इसमें क्या बोला है, क्या ऐसी कोई विंडो है जिसको हम लोग शो नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ये वाली विंडो नहीं शो कर पाएंगे, उसमें जो ड्राइंग बनाए डीप ड्राइंग में उसमें ये वाला विंडो नहीं शो कर पा रहे, ठीक है। तो समझ में आया डीप ड्राइंग क्या होता है और फ्लोर मैप क्या होता है, फ्लोर मैप से अपने को पता चल जाता है विंडो और वो सब किधर है, और डीप ड्राइंग में पूरा हाइट भी पता चल जाता है, उसका हाइट कितना रहता है, ठीक है, फ्लोर मैप से हाइट नहीं पता कर पा रहे। नेक्स्ट क्या है, ए डीप ड्राइंग ऑफ ए क्यूब, ठीक है, क्यूब का डीप ड्राइंग कैसे बनेगा, क्यूब का डीप ड्राइंग एकदम आसान सा मैं बता रहा हूं आपको, क्यूब का डीप ड्राइंग बनाना, ठीक है।
मैं बताया था ना अभी, दिखाया था आपको, ये है ऐसे करिए, ठीक है। फिर इसको इसको ज्वाइन कर दीजिए, दो ठोक स्क्वायर बनाना है, दोनों को कहां कहां से ज्वाइन करना है देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो डीप ड्राइंग बन जाएगा, क्योंकि इसमें हाइट भी पता चल रही है, लेंथ भी पता चल रही है, ब्रेथ भी पता चल रहा है, सब पता चल रहा है इसमें, तो ये डीप ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पजल है, दिस कट आउट इज फोल्डेड टू मेक ए क्यूब, ठीक है। अब एक कट आउट है उसको फोल्ड करके क्यूब बनाना है, ठीक है। क्यूब कौन सा, डाई जो वो लोडो खेलते हैं ना, 1 से 6 तक गिनते रहते हैं, तो इसमें आपको देख के बनाना है। तो आप लोग इसको देखेंगे तो जैसे क्या करना है अपने को, फोल्ड करके जाइए, आप एक कागज लेंगे, कागज का टुकड़ा 1 जैसे जैसे इसमें बना है ना सेम वैसे वैसे लिख दीजिए, उसके बाद फोल्ड करके क्यूब बनाइए, तो उसके बाद जैसे आपको दिखेगा उस पर टिक कर देना, सिंपल एकदम आसान तरीका। लेकिन कागज से जैसे ही इसमें बना है वैसे कागज कट करिए उसके बाद बनाइए, तो ज्यादा आसान रहेगा। ए सिंपल वे टू ड्रा ए क्यूब, ठीक है। अब सिंपल वे टू ड्रा ए क्यूब जैसे मैं बताया वही है, सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब क्यूबॉइड का कैसे रहता है, क्यूबॉइड का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैच कर दीजिए इसको 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 इसको, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड का हो गया, ये 3D शेप है, ठीक है। अब जैसे मैच बॉक्स प्ले, इसमें एक मैच बॉक्स प्ले में क्या है, एक लड़की है और एक भास्कर लड़का, ठीक है। भास्कर एंड प्रतीज्ञा दो लोग हैं, वो लोग मैच बॉक्स से ब्रिज बनाए हैं, ठीक है। आप उसमें देखेंगे फोटो में दिखेगा, तो उसको बताना है कि साइड से कैसा दिखेगा, फ्रंट से कैसा दिखेगा और टॉप से कैसा दिखेगा। तो उसने पहला करके बताया कि कैसा कैसा दिख रहा है, वो पहला किस किधर साइड में फ्रंट में खड़ा हुआ है, फ्रंट में कैसा दिख रहा है आप लोग देखेंगे, एकदम पतला पतला दिख रहा होगा ना। और द ये क्या है, द ब्रिज लुक लाइक दिस टू मी, माई ड्राइंग शोज हाउ हाई आवर ब्रिज इज एंड हाउ वाइड इट इज, ठीक है। अब क्या है, वो साइड से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं तो उसको हाइट पता चल रहा है उसका, ठीक है। हाइट पता चल रहा है और विड्थ पता चल रहा है उसकी चौड़ाई, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, इफ यू लुक एट द ब्रिज फ्रॉम द टॉप हाउ विल इट लुक, चूज द राइट ड्राइंग बिलो, ठीक है। अब टॉप से देखने से आपको कैसा दिखेगा, जैसे आप इसको टॉप से देखेंगे तो ये चौड़ा से दिखेगा, ये भी चौड़ा से दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ही उसको भी टॉप से देखेंगे ब्रिज को, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। अब देखिए जैसे इसमें बोला है लुक एट द फोटो एंड ट्राई टू मेक डीप ड्राइंग ऑफ दिस ब्रिज, ठीक है। क्या करना है, फोटो को देख के डीप ड्राइंग बनाना है अपने को। ये इसमें दो टोक दिया है, जैसे मेक ड्राइंग टू शो हाउ दिस ब्रिज विल लुक, ठीक है। टॉप से कैसे दिखेगा, एकदम सिंपल, क्या प्रैक्टिस टाइम में देखिए आप लोग, एकदम सिंपल ऐसे दिखेगा टॉप में, ठीक है, ऐसे दिखेगा। उसके बाद फ्रंट से कैसा दिखेगा, फ्रंट से आप लोग देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब क्या देखना है, साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, छोटा सा उसके बाद बड़े बड़े, ठीक है, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो समझ में आया कैसे, आप जैसे सेकंड क्या है, मेक ए मैच बॉक्स मॉडल विच लुक लाइक दिस। अब आपको मैच बॉक्स लेना है बहुत सारे, उसके बाद जैसे ये मॉडल बना है आप लोग बनाएंगे इसको, इसको ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा एकदम इंटरेस्टिंग मॉडल बनेगा, मैं बना के देखा था, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा वो, ठीक है। आप लोग इसको बनाएंगे, नहीं बनेगा तो बताना मुझे, ठीक है। बन गया, अगर अच्छे से बन जाएगा तो मुझे बताना कि हाँ सर मेरा बन गया, ठीक है। अब क्या है, थर्ड कॉलम में बता देता हूँ, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल। अब देखिए इसमें एक क्यूब दिया हुआ है, उसको पूछ रहा है कि कितने क्यूब लगा है इसमें ये मॉडल को बनाने के लिए। एक बड़ा क्यूब है, छोटे छोटे क्यूब से बनाया गया है। तो आपको इसमें करना क्या है, पहले एक लाइन का क्यूब गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब एक लाइन 5 है तो पूरे हाइट में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 25 क्यूब एक साइड, 25 क्यूब एक साइड।
फिर इसके बाद कितने हो गए 25 प्लस 25 25 हो गए एक साइड है, फिर 25 है। अब देखिए नेक्स्ट वाले में थोड़ा छोटा हो गया है, 1 2 3 4 अब 4 है और 1 2 3 4 अब 4 4 है, 4 × 4 कितना हो गया 16। अब क्या है 16 दो बार है प्लस 16 इधर लिखिए फिर 16 लीजिए, क्योंकि एक इस साइड का आप लोग देखेंगे बुक में दिख रहा होगा, दोनों साइड का दिख रहा होगा ना, ऐसे बना है। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक छोटा हो गया, ये छोटा होते गया, इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे बुक में तो अच्छे समझ में आएगा। तो पहले मैं इसको किया 25, फिर इसको किया 25, फिर इसको 16 किया, फिर इसको 16 किया, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है 3 3 का हो, 1 2 3 1 2 3, तो 3 × 3 9, तो 9 एक तरफ का 9 एक तरफ का 9 प्लस 9, फिर इसके बाद क्या है 2 2 का, तो 4 × 4 सॉरी 2 2 का है, 2 × 2 तो 4 हो गया प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, तो आप इस तरह से आप लोग भी कैलकुलेट करिए, आप लोग इमेजिन करके देखिए ना, एक के नीचे एक भी आएगा, जैसे सेकंड वाला है उसके नीचे एक आएगा, फिर उसके बाद उसके नीचे एक आएगा, तो ऐसे करेंगे तो ज्यादा आसानी पड़ेगी, एक एक लाइन को लेके चलना है। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो आएगा, मैं इसको प्लस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको प्लस करना भी जाना चाहिए, प्लस करना क्लास 5 में हो तो प्लस अच्छे से आना चाहिए, आप लोग करेंगे उसको। ठीक है, मैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, हेयर आर सम ड्राइंग ऑफ द मॉडल, मार्क द करेक्ट टॉप व्यू ड्राइंग विद टी एंड द करेक्ट साइड व्यू ड्राइंग विद एस। ठीक है, अब करेक्ट टॉप व्यू, टॉप व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू तो सबका सेम ही रहता है, उसमें हाइट पता नहीं चलती, तो उसका क्या होगा टी लिखेंगे, ए वाला टी होगा, ऑप्शन ए जो है उसमें टी लिखेंगे। एंड द करेक्ट साइड व्यू ड्राइंग विद एस, साइड व्यू में क्या है, एक एक टॉप छोटा होते जा रहा है देखेंगे, तो उसमें क्या होगा ऑप्शन बी में एस लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना सारी चीजें अच्छे से, इसमें क्या बताया है 3D डायग्राम बनाना। ठीक है, 3D को 2D को 3D में कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें फ्लोर मैप में भी आप लोग देखे होंगे तो कैसे बनाया है, उसके बाद क्या है बॉक्सेस से फोल्ड कर करके कैसे बनाया है, तो बॉक्सेस आप लोग एक बार ट्राई करना फोल्ड करके कैसे बनता है, ओपन बॉक्स और क्लोज बॉक्स जो लोग बना के देखेंगे, ड्राइंग में बनाया था ना ओपन बॉक्स का, कैसे बनाया था ऐसे 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 कट कर लेंगे, उसके बाद फोल्ड करके देखेंगे तो ओपन बॉक्स बनेगा, और वैसे कैसे बनाया था इस तरह से कट करेंगे तो आप लोग क्लोज बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें समझ में आई ना, फ्लोर मैप क्या होता है, ओपन बॉक्स क्या होता है, और टॉप व्यू क्या होता है, और क्यूब कैसे बनाते हैं, क्यूब कैसे बनाते हैं मैं बताया। ठीक है, तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई, और जो चीज ना समझ में आया आप मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा वो भी आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं उसको अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू।